फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास गोल्डन आई का एलजी कंपनी का एक 21 इंच का फ्लैटन का टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर ज़्यादा ग्लो करने के बाद कम ग्लो हो गया है और उसके बाद स्टैंडबाय से रिलीज भी हो गया है। और रिलीज होने के बाद हमारा टीवी पे ऐसे वाला पिक्चर आ रहा है, जैसे हमारा टीवी पे जो पिक्चर फुल पिक्चर होना चाहिए वो वाला फुल पिक्चर नहीं है। और हमारा सिस्टम पे कुछ तो प्रॉब्लम आया है जो इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वाला प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करते हैं उसको दिखाने के लिए वाला वीडियो बन रहा हूँ। तो क्या करते हैं, पहले टीवी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों ये वाला जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर हमारा वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। वर्टिकल सेक्शन मतलब हमारा जो मेन पीसीबी का जो वर्टिकल सेक्शन होता है, आईसी सेक्शन होता है, वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा योक कॉइल जो होता है, जो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए तैयार होता है, जो हमारा पिक्चर ट्यूब के अंदर लगा रहता है, वो वाला जो कॉइल होता है वो कॉइल का ही प्रॉब्लम है। ये वाला 100% प्रॉब्लम हमारा योक कॉइल से ही आता है। ठीक है दोस्तों, इस वाला प्रॉब्लम को रिपेयर कैसे करते हैं वो वाला देख लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ और खोलने के बाद ये वाला देखिए, हमारा 21 इंच का नॉर्मल सा ट्यूब है और ये वाला हमारा योक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों ये मेन पीसीबी और बेस पीसीबी का हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वाला टीवी चालू है, हमारा स्टैंड बाय सही तरीके से ऑन हो रहा है और हमारा प्रॉब्लम आज का जो प्रॉब्लम है ये वाला कॉइल से ही है, जो हमारा योक कॉइल कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल होता है। वर्टिकल कॉइल ऊपर साइड से अप साइड पे होता है और नीचे वाला जो कॉयल होता है वो भीतर वाला जो कॉयल होता है वो कॉयल हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कॉयल होता है। और ये वाला कॉयल हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से हमारा सही है, इसीलिए हमारा लेफ्ट राइट पिक्चर हमारा सही दे रहा है। लेकिन अप डाउन जो पिक्चर है वो पिक्चर हमारा ख़राब हो चुका है। और अप डाउन का पिक्चर ख़राब होने का मतलब क्या होता है, हमारा जो वर्टिकल का कॉयल होता है वो वर्टिकल कॉयल का अंदर ही ख़राब है। इसीलिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, पहले तो ये वाला जो ट्रैक है, जो सॉकेट है, सॉकेट को ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद एक जो बाजार मीटर को बाजार रेंज पे रख के आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये वाला जो कॉयल जो है वो पूरी तरह से काटा नहीं है, पूरा ओपन नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी एक कॉयल का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ही काम हो रहा है। इसीलिए इसको चेक करने से आप लोगों को मीटर पे बाजार बाजेगा तो आपको श्योर होना है कौन सा वाला कॉयल काटा है, क्योंकि ये दोनों साइड पे ही कॉयल है, एक कॉयल दूसरा कॉयल, ये दोनों कॉयल के एक कॉयल भी ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से काटा नहीं है लेकिन अंदर में राश पड़ जाता है, कभी कभी इसका जो ओम्स का रेंज होता है वो घट जाता है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम देता है। मैं क्या करूँगा, इसका जो वर्टिकल वाला जो कॉयल है उस कॉयल को ओपन करूंगा, दोनों कॉइल को अलग अलग कर दूंगा और अलग अलग कर देने के बाद इसको चेक करूंगा तो पता चल जाएगा हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसीलिए दोस्तों ये वाला कॉइल को मैं खोल लेता हूँ, खोलने के बाद चेक करना आसान होगा। ये कॉइल को कैसे खोलना है वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले तो बेस पीसीबी को ओपन करना है, ओपन कर दिया, इसको अलग अलग देंगे क्योंकि इस पर प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो हमारा ये जो कलर बेड़ी होता है, इस कलर बेड़ी को भी ओपन कर देंगे। ये स्क्रू को खोलना है, खोलने के बाद इसको ओपन करना है। और तीसरा जो होता है हमारा योक कॉइल का ये वाला जो स्क्रू होता है, नाट होता है, इस नाट को खोल देना है। और खोलने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है, लेफ्ट राइट से घुमाना है और घुमाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इसको खींचना है, क्योंकि ये ज़्यादा सख्त रहेगा तो हम लोग इसको पेट्रोल दे सकते हैं, केरोसिनी दे सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। और आप लोग इसको ज़्यादा टाइट करके इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो जॉइंट होता है, जॉइंट
काट जाता है और ट्यूब हमारा ख़राब हो जाता है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ही इसको करना है। जिसको पता है तो अच्छा है, जिसको पता नहीं है इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों जो बता रहा था, हमारा जो योक कॉयल होता है, योक कॉयल का जो सामने वाला कॉयल होता है, सभी योक कॉयल का सामने वाला जो कॉयल होता है वो हमारा हॉरिजेंटल रहता है। जैसे हमारा रेड वाला और ब्लू वाला जो वायर रहता है, वो वाला कॉयल हमारा हॉरिजेंटल ही रहता है। और वर्टिकल वाला ये वाला देखिए, जो हमारा दूसरा जो कॉयल है, ये कॉयल होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन का। जो हमारा वायर रहता है, जो वो वाला कॉयल हमारा येलो वाला वायर से और हमारा ऑरेंज वाला वायर से, ये हमारा एलजी का होता है। वो का कुछ भी कलर हो सकता है, जो वायर होता है कुछ भी कलर हो सकता है, लेकिन सामने वाला जो कॉयल होता है ये हमारा हॉरिजेंटली और दूसरा वाला जो कॉयल होता है ये हमारा वर्टिकली। और आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा वर्टिकली प्रॉब्लम आया है। वर्टिकली प्रॉब्लम को अच्छी तरह से चेक करने के लिए इसका जो दो कॉयल रहता है, एक और दो कॉयल रहता है, इसको अलग कर देना है। अलग करेंगे कैसे, ये जो हमारा दो तार आया है, देखिए जो वायर आया है, इसको खोल के अलग कर दूंगा। अलग कर देने के बाद इसको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, कौन सा वाला कॉयल से। आप लोग इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं, जो इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो योक कॉयल होता है, इसका भी योक कॉयल देखिए, ये योक कॉयल हमारा, ये जो क्लिप है, क्लिप को ओपन कर देंगे, ओपन कर देने के बाद ये दूसरा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो कॉयल आया है, ये कॉयल हमारा एक ही साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये जो अंदर में जो बीट दिख रहा है, ये बीट हमारा काटा हुआ नहीं है, ये अंदर से जुड़ा हुआ ही है। इसीलिए इसको आप लोग खोल के रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको प्रॉब्लम तो चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये येलो वाला वायर को खोल दूंगा और खोलने के बाद ये दोनों को वायर को अलग अलग कर दूंगा, तो चेक करने से पता चल जाएगा इस वाला पॉइंट से तो कौन सा वाला कॉयल हमारा ख़राब हो चुका है। दोस्तों मैंने ये दोनों वायर को खोल चुका हूँ, जो हमारा योक कॉयल के साथ, जो वर्टिकली कॉयल के साथ कनेक्टेड है। ये जो पहले वाला जो कॉयल है, ये वाला कॉयल हमारा ये नीचे वाला कॉयल है, और दूसरा वाला जो कॉयल है ये ऊपर वाला जो कॉयल है, ये वाला कॉयल, इसीलिए इसको मैंने मीटर के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। और दूसरा जो मैं इसको टच करूँगा, देखिए ये वाला कॉयल मुझे बता रहा है, ये वाला कॉयल हमारा सही है, बाजार बज रहा है। और इस पर हमारा जो क्वांटिटी आ रहा है वो 39 आ रहा है, देखिए क्वांटिटी 39। और दूसरा वाला जो कॉयल है, ये कॉयल को मैंने जब टच किया, जो चेक किया, तो मुझे पता चला ये वाला कॉयल काम नहीं कर रहा है, और ये ऊपर वाला जो कॉयल है वो कॉयल ही ख़राब है। इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं, खोल के भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको खोलने की कोई चांस नहीं है। और इसको जब मैंने चेक किया तो बाजार ही बाजार नहीं बज रहा है और कोई क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। इसीलिए ये वाला कॉयल को चेंज करना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने एक नया वाला कॉयल लेके आया हूँ और टीवी पे जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब पे फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों मैंने जैसे कहा था, मैंने नया वाला कॉयल को मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद वायर को भी कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट करने के बाद दिखाता हूँ हमारा पिक्चर कैसे आया है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो हमारा सामने वाला जो कॉयल होता है वो कॉयल हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का, और दूसरा वाला जो दूर वाला जो कॉयल होता है वो वाला कॉयल हमारा वर्टिकल सेक्शन का होता है। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जो नया वाला टेक्नीशियन ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके लिए बता देता हूँ, जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेक्शन का कॉयल लगाएंगे तो हॉरिजेंटल कॉयल पे वायर चेंज हो जाएगा, या वर्टिकल सेक्शन का जो वायर होता है वो चेंज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्टिकल का एक हॉरिजेंटल का एक कनेक्शन नहीं करना। जब पिक्चर ट्यूब के पावर देंगे तो क्या होगा, वो जो वर्टिकल का आईसी होता है, वर्टिकल आईसी बास्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्लू वाला और रेड वाला जो चेंज हो जाएगा तो कैसे प्रॉब्लम होगा, जैसे हमारा पिक्चर लेफ्ट राइट का पिक्चर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाएगा। और जब हमारा वर्टिकल सेक्शन का वायर चेंज हो जाएगा तो कैसे होगा, अप साइड डाउन हो जाएगा, डाउन साइड अप हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ऐसे वाला प्रॉब्लम आएगा, लेफ्ट राइट और अप डाउन का प्रॉब्लम आएगा, तो वायर को खोल के सब चेंज कर देना है। जो येलो वाला के साथ हमारा ये वाला जो रेड वाला सॉरी दोस्तों ग्रे वाला जो हमारे वायर है, ये वाला वायर को चेंज कर देना है, ब्राउन वाला वायर है
और हमारा जो लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करेंगे, ये ब्लू को इस पे करेंगे और रेड को ऐसे करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों 100% के 100% योग पे हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन का रेड वाला वायर हमारा राइट साइड पे ही होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा तो कनेक्शन हो गया है और कनेक्शन करने के बाद मैं टीम को फिर से पावर दे देता हूँ और पावर देने के बाद इसको देखेंगे हमारे टीवी पे जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। जैसे हमारे टीवी पे थोड़ा सा पिक्चर आ रहा था और मिडिल वाला पिक्चर आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। दोस्तों देखिए हमारे टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है, फुल पिक्चर भी आ चुका है और हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। मैं टीवी को आगे से घुमा देता हूँ, घुमाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो मैं टीवी को घुमा लेता हूँ। दोस्तों मैं टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ और घुमाने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी दे चुका हूँ। देखिए दोस्तों हमारा थोड़ा थोड़ा करके पिक्चर शॉर्टेज है, जो हमारे नीचे साइड पे भी शॉर्टेज है, अप साइड पे भी शॉर्टेज है। इसको क्या करना है, एक रिमोट लेना है, जो हमारा एलजी का रिमोट होता है, एलजी का रिमोट लेके इसको सर्विस मोड खोल के इसका वर्टिकल सेक्शन को थोड़ा सा अप कर देना है और हमारा पिक्चर जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। जैसे छोटा वाला पिक्चर जो हमारा शॉर्ट है, जो नीचे साइड और अप साइड पे पिक्चर हमारा शॉर्टेज हो गया है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल सेक्शन को थोड़ा सा हाइट बढ़ा देने से हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारा टीवी पे जो थोड़ा सा एक पिक्चर आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले दोस्तों गुड बाय।